YouTube चैनल हैक होने से खुश हैं रणदीप इलाहाबादिया? ये सवाल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल मशहूर यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया एक साइबर हमले का शिकार हो गए हैं। जी हाँ, मशहूर साइबर एक्सपर्ट जो कहे जाते हैं रणवीर इलाहाबादिया, बुधवार की रात हैकर्स ने उनके YouTube चैनल को हैक कर लिया और उसका नाम बदलकर टेस्ला और ट्रंप रख दिया और फिर उनकी कई वीडियोस डिलीट भी हो गई है। ये घटना हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट के YouTube चैनल की हैकिंग की घटना की तरह ही है। इस घटना के बाद यूट्यूबर की प्रतिक्रिया भी सामने आई है और उनकी जो प्रतिक्रिया सामने आई है उस पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि वो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। दरअसल हैकर्स ने बियर बाइसेप्स का नाम बदलकर टेस्ला कर दिया है, जबकि उनके प्राइवेट चैनल का नाम बदलकर टेस्ला कर दिया गया था। इतना ही नहीं, हैकर ने उनके सभी पॉडकास्ट और इंटरव्यू वाले वीडियो भी डिलीट कर दिए हैं। उनकी जगह पे एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के वीडियो ऐड कर दिए गए हैं। हैकिंग के शिकार होने के बाद रणवीर इलाहाबादिया की प्रतिक्रिया जो सामने आई है वो चौंकाने वाली है। दरअसल यूट्यूबर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर हैक हुई यूट्यूब चैनल का वीडियो शेयर किया है। पोस्ट में रणवीर के यूट्यूब चैनल पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क चार्लोट का लाइव स्ट्रीम हो रहा है जो उत्तरी कैलिफोर्निया से हैं। इस वीडियो को रणवीर के एक वीडियो से जोड़ा गया है। इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है कि उन्होंने मेरा चैनल हैक होने के बाद मैं, वहीं दूसरे पोस्ट में अपना दुख साझा करते हुए सैड इमोजी के साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा कि डियर यूट्यूबर फैंस, एक्स पहले जो ट्विटर था उसके अनुसार जब ये घटना हुई तब वे विदेश में नहीं थे बल्कि सिंगापुर जा रहे थे, हालांकि अब वे मुंबई में हैं। आपको बता दें कि इससे पहले रणवीर ने एक स्टोरी भी पोस्ट की थी जिसमें एक बर्गर की तस्वीर पोस्ट की गई थी उनकी तरफ से। पोस्ट में लिखा था, मेरे दो मुख्य चैनल के हैक होने की खुशी में जश्न मना रहा हूँ, वो भी अपने फेवरेट फूड के साथ, वेज बर्गर। बियर बाइसेप्स की मौत डाइट की मौत से हुई, ये उन्होंने लिखा था अपने पोस्ट में। इसके अलावा उन्होंने आंखों पर मास्क लगाए हुए एक तस्वीर भी शेयर की। उन्होंने अपने फैंस से एक सवाल पूछा कि क्या ये उनके YouTube करियर का अंत है। आपको बता दें कि बियर बाइसेप्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर YouTube है और उन पे उनके लाखों फॉलोअर्स हैं जो उनको फॉलो करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनका रिएक्शन सामने आ रहा है वो भी सवालों के घेरे में है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से अभी वारदात को अंजाम दी जा रही है, बहुत सारे YouTube चैनल हैक हो रहे हैं, इस पे भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल YouTube चैनल हैक कर लिया गया था और उसके बाद उस पे दूसरी चीज़ें लगा दी गई थी। तो इस पे जो साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों, और बियर बाइसेप्स के पूरे मामले पर आपका क्या कहना है दोस्तों, हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।